इतने दराल गांव ना व्यू चेक कर सकते हो जी माशाल्लाह काफी खूबसूरत व्यू है। बाकी आ साइड सनसेट भी हो रहा है, उम्मीद है इसी पानी होगा। चीरा ने बूटे कितने कितने बड़े चीरा ने बूटे। तो बाकी ए थला एक गांव है इसका नाम जरा मैं सुनया नाड़ी बाद चद्रूना एरिया लग रहा है वो सामने चद्रूना है चद्रूना एरिया अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद कर सा सारे बंदे ठीक हो। सो मैं उस्मान संता करे हमारा यूट्यूब चैनल अपना सोना कश्मीर हाजिर है जी एक नवी वीडियो नाल। आज मैं आया वहाँ पहाड़ा ने एरिए बड़ा खूबसूरत इलाका वै तो इस इलाके का नाम है बड़जुन। तो समानी ने एरिए बेसिकली जरा एरिया आना वादिया समानी ने बच्चे आना। तो बाकी तुम कि ग्रां बगैरा हैं वह भी दसागे असा इतना एक काम से उस वजह तो आए सा। बाकी जो बंदे सारे चैनल नवे उन्हें अगर रिक्वेस्ट है सारे चैनल की सबसक्राइब करो। अगर गल की जाए सूरज निकलिया पर इस इलाके सर्दी काफ़ी है। तो बाकी ऐसे हेड थल चीरा ने बूटे चेक करो तो नाल माशाला जो थल व्यू है ये चेक करो। क्या हाल है जी? माई बिंदली सामने अगर उपर चले जो उधर ट्रक नजर आ रहा सामने इधर बंदे दादादार केड़े मुल्क होने ना मुलाजम पेशा ही है कुछ बहार कुछ इधर आर्मी मुख्तलिफ मतलब टीचर हो गया महकमा सेहत हो गया बिजली महकमा बरकियात जी। इतना ग्रां बिच ही तक सकने इस जगह मिगी है दरख्त काफ़ी अंबा ने नज़र आए काफ़ी दरख्त अंबा ने सैड इस सैड पलियार दिते ने नाल जाला भी तो अंदर ताजी अजय की जी भी नहीं रड़े आ ताजी ताजी मक है जी कप्पन हो इस एरिए चो। बाकी सैड पार सामने मोटरसाइकिल खिलाए अपना जामिया मस्जिद गोसिया रिजविया रिजविया मोजिया बड़जुन सोनी साड़ी वादी यारो सोनी साड़ी वादी यारो जन्नत नजी असा कश्मीरी साडा देश कश्मीर असा कश्मीरी साडा देश। हमारा सफर है घरे आली साइड शुरू जरा मेरा अख्तियार किया उधर लाले राह है तकरीबन दो राह जाने एक चेबे बच्चे जाना जंडाले बाजार हो गया पर अस बड़जुन गए दुआ रास्ता इस्तेमाल किया। इस वक्त मैं मौजूद हाँ दराल गांव ने बिल्कुल टॉप व्यू है इतने दराल गांव ना व्यू चेक कर सकते हो जी माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत व्यू है। बाकी आ साइड सनसैट भी हो रहा है तो सूरज है जरा चढ़ाने वाला छपया वै तो बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहा। तो बाकी आ साइड थल कनक भी रेड़ी तो जे खेत हैं वो बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं तक सकते हो जी कनक रेड़ी है नाल अंबा ने बूटे
काफी खूबसूरत मंदिर है इस ग्रां दा जेड़ा तकरीबन 10-15 मिनट दूर है जंडाला तो ये वादी समान ही अंदर आवन। बाकी मैं जा रहा घर वाली साइड तो मोटरसाइकिल बंद किए वै क्योंकि असल में शोर ऐड होना वै मोटरसाइकिल ने इस वजह तो बाकी कोई तुसांगी राह ने मनाजर चेक कराने रोड है जी काफ़ी टुटी भजी है तो मोटरसाइकिल का सफर करना जरा बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बाकी इस साइड चीरा ना व्यू चेक करो जी रोड है जी चीरा ने दरम्यान पहाड़ी ने उपड़े गुजरी है तो ये काफ़ी खूबसूरत मंजर पेश कर रही है वो पहाड़ सामने रोड है आख सकते हैं। कश्मीर सोना बसे कश्मीर सोना कश्मीर च चल बसिए नेड़े नेड़े बैके नी गल्लां दिलानियां बै दसिए ओ नेड़े नेड़े बैके नी गल्लां दिलानियां बै दसिए बसे कश्मीर सोना बसे कश्मीर सोना ओ कश्मीर दे सोने रस्ते वे असा परदेसियां साडे यार कश्मीर वसदे ओ असा परदेसियां साडे यार कश्मीर वसदे साइड तक सकने जी ए दो स्टाल जल्द इतों रोड गुजरनी सी गड्डिया शड़िया जानिया सन उसल इतने टक शॉप नाल होटल होना सी पर हूँ इधर रोड है जी आम दो रफ्त बंद हो गई है हूँ दूई रोड इस्तेमाल करने चेबेली इस वजह तो ये चीज़ा जीडिया बंद हो गई क्योंकि इस साइडों आवना जाने गोड़ी इतनी आवाम तो लोकल फिर बंद ने होटल सन तो बंद कर छड़िया ने तो ये भी तक सकने काफ़ी खूबसूरत चीज़ है तो मैं आख्या तकने वाले नाल शेयर की जाए बाकी तू इन्हां दा व्यू चेक करो जी किते नल में हूं दुखड़े फोला ओ गुजर खान तू चा पीती मुड़ मुड़ याद आंदे जिन्ना जिंदगी तबाह कीती ओ मुड़ मुड़ याद आंदे जिन्ना जिंदगी तबाह कीती वसे कश्मीर सोना वसे कश्मीर सोना ओ खुले बटन कमीज़ां दे हाल ते पुछो आगे। मैं एक और व्यू पॉइंट ते रुकिया वा ते इत्थों तुसां की गाँवें दसना वा ते मैं अज गया सा बड़जून वाली साइड समानी उत्थे एक काम सी ते मैं सोचिया जेड़े बंदे असें ताकड़े उन्ना की जरा पुराना राह होना सी समानी जाने ना या कुछ गुमे जाने ना दराला आले राह वह दस्या जाए क्योंकि हूँ तो तकरीबन कई सालों तो दूआ राह इस्तेमाल होना पाया वा चेबे आले राह जंडाले विचों जरा जाना वा तो बाकी मैं सोचा इतों व्यू कराया जाए इस वक्त ये सामने तक सकने चीरा ने बूटे कितने कितने बड़े चीरा ने बूटे तो इस साइड सनसैट भी हो गया वै तो बाकी ए थला एक गाँव है इसका ना जरा मैं सुनया नाड़ी ना नाड़ी बाकी वो थले तक सकने रोड भी जा रही है उस साइड घर तो इतने थोड़े ही तकरीबन 10-12 घर उस बाकी ये गाँव है जरा पहाड़ी ने बिल्कुल थले तो इस साइड भी पहाड़ पहाड़ा ने दामन वाकया वै तो बाकी इस साइड आ जाना वै दराल गगा दराल तो अगे वो पहाड़ सामने जे पहाड़ नज़र आ रहे उस साइड गया समय वो उसी आखने बड़जून अपने मनाजर भी हो तुसां भी दसांगे तो वीडियो मजीद कंटिन्यू करने नेड़ा पैने पाया वै तो असर नहीं अजाना चिड़ोक वेले नहीं हो गई तो हूँ मैं अपना सफर है जो शुरू करना वा है भी कला वा तो तुसां की राह जानी दसने क्या कोई सूरत हाल बननी है। जरा मिलन ते आवे आ तेरे अख लगदे
ਬਾਕੀ ਆਈ ਨਿੱਕਾ ਲੱਭਾ ਰਾਜ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐ ਪੈਡਾ ਨਾਲ ਆਈ ਕਿਤਨੀਆਂ ਪੈਡਾ ਨਾ ਪੈਡਾ 40 ਤੇ ਕੇ ਲਾਨੇ ਹੋ ਘਰੋਂ ਕਰੂ ਆਨੇ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਜੀ ਸ਼ਾਮੀ ਕਰ ਰਹੇ 5 ਵਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕੀ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐ ਕਹਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਸੰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਹੋ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਾਮੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣੇ ਹੋ ਤੁਸਾਂ ਡੇਰਾ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਡੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਬੰਦ ਇਹ ਰੋਡ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਰਾਲਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਚੇਬੀ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਉਹਨ ਵਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਰੋਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇਹ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਜੰਡਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਸਾਨ ਰਾਹ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕੀ ਰੋਡ ਹੈ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਲਰੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਵਿਊ ਕਰਾਣੇ ਦਾ ਇਹ ਰੋਡ ਹੈ ਇਹ ਦਰਾਲਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਸਗੁੰਮੇ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈ ਸ਼ੇਖ ਬਕਰਵਾਲਾ ਨਿੱਕਾ ਵੀ ਲੱਭਾ ਵੈ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਪ ਸ਼ੱਪ ਲਾਈ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈ ਜੀ ਕਸਗੁੰਮੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਸਵਾ ਚਾਰ ਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਵੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਕਿਆ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੀਂਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਇੱਕ ਨਲਕਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਿਆ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸੀ ਗਿਰਨਾ ਹੀ ਪੈਸੀ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੋ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਰਲੀ ਭਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੱਧੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੁਲਿਆ ਕਲਰੇ ਵਾਲੇ ਨਲਕੇ ਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਲਕਾ ਆਇਆ ਵੈ ਤੱਕਣਿਆ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲੱਭ ਸਕਣਾ ਯਾਨੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਹੁਣ ਕਲਰੇ ਵਾਲੇ ਨਲਕੇ ਤਾਂ ਜੁਲਿਆ ਬਾਕੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਅਸਾਂ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਬਕਰਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੁਣ ਪੁੱਜ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਕਲਰਾ ਕਸਗੁਮਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜ ਹੈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਵੀ ਡਿੱਠੇ ਸਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫੋਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜੀ ਕਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਕਲਰ ਹੈ ਪੁੱਜੀ ਆਇਆ ਵਾਂ ਰਾਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਲਕਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਕਲਰੇ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਵੈ ਇਸ ਨਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਵੈ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਕਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਸ ਸਮਾਨ ਜੰਡਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਬੈੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਜੰਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੱਬ ਖੜੀਆਂ ਐਜ਼ ਆ ਛਾਪੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲਿਆਰ ਹੈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਲਰੇ ਵਾਲੇ ਕਿੱਸਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੈ ਕਾਫੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪੁਲੀ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੈ ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਸਮਾਣੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਲੌਗ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਰਾਹ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣੀ ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਉਣਾ ਪਰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਰ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਰ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਦਰਸ਼ਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤਬ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਸੋਨੇ ਨਵਾਲਾ